तो एक बड़ी बूढ़ी माता जी रहे हैं, बिल्कुल कफिल रहे हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा कफिल थी। वे हमारे ठीक सामने बैठी रहे, वे हमें देखे और शादी की मिट्टी टटू करे, हमें देखो करे शादी की मिट्टी टटू लू करे। बड़ी देर होगी, हमने माइक बंद कर लिया। मैंने कहा माता जी आप बड़ी परेशान हो, खड़ी हो जाओ। वे खड़ी गई। मैंने कहा क्या बात है, तुम अपने घर से परेशान हो क्या? तुम्हारे बहू बेटा तुम्हारी सेवा ना करता या फिर टाइम से भोजन नहीं देते? बोले नहीं लली ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी कथा सुनने आए, कथा नहीं की लग रही, तुम कथा कहो हम कथा सुन रहे। बोलो ना, तो मैं कथा फिर से बोलने लगी। अब थोड़ी बहुत देर तो सही से बैठी रही और थोड़ी देर के बाद उनकी दशा भाई हमारी ओर देखें उस शादी की मिट्टी टटो करें। तो मैंने उन्हें फिर से खड़ा कर लिया। मैंने कहा माता जी हमें ऐसा लग रहा है कि इतने लोग बैठे हैं, आपको अपने घर की बुराई करते हुए शर्म लग रही है कि हम अपने घर की बुराई करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो मैंने कहा बताइए, बुढ़ापा है, हो सकता है कि घर में कलह होती हो, तुम्हें कोई कष्ट हो। दे बोली लली हम घर से तो बहुत संपन्न है, सुखी हैं, घर से हमें कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है, बहुत सुखी हैं, लेकिन हमें अगर कष्ट है तो वो तुम्हारो ही है। मैंने कहा मेरा तुम्हें काहे को कष्ट है? बोले लली जब से हम आए तब से हम देख रहे हैं तुम सांस ही नहीं लेती, कछु ना कछु कहती चली जाती हो। ऐसे ही हमारे घर में एक भैंसिया की पड़िया है, वो 6 दिन तक रहकत रही और 7वें दिन भाव वैसे ही वो मरी गई। तो हमें दुख जब आता को सताए देना तुम चिल्लाती चिल्लाती चली ना जा। तो हमने उन्हें समझाया माता जी इस बात की आप चिंता करती हो तो ये हृदय से चिंता निकाल दीजिए। देखिए भगवान ब्रह्मा जी ने 7 ही दिन बनाए, कोई 8वां दिन नहीं आया। हर व्यक्ति नहीं 7 दिन के अंदर आता है और 7 दिन के अंदर चला भी जाता है, कोई 8वां दिन ही नहीं बना। तो हर व्यक्ति को हमें और आपको 7 दिन के अंदर आना है और 7 दिन के अंदर जाना भी है। व्यक्ति का जन्म हुआ है मरने के लिए, मर होता है जन्म लेने के लिए। हम ना मत तमाई गांव में मर भी की रिवाजी ना, एक बार यमदेव बता मैंने अपने खेतन तक बजाए, मैं पीछे बाजबो करे चढ़गो पीपरे पेड़ पर लौटनो परो ससुराए।